हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, 5th, 6th पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या करना है आपको। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना, ये ट्राइनोमियल है और ये बाइनोमियल, दोनों का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद जो उसमें लाइक टर्म्स होगा उसको प्लस माइनस करेंगे, फिर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसमें सिंपली हमको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3x का पूरे के साथ प्लस 4y का पूरे के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप इसका भी इसके साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा और ये दो टर्म्स है तो इसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3x का माइनस 2x² प्लस xy माइनस y² ब्रैकेट क्लोज, और यह प्लस 4y और ब्रैकेट में माइनस 2x² प्लस xy और माइनस y² यहाँ पे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि किसका किस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे साइन का साइन के साथ, नंबर का नंबर के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। वेरिएबल का मतलब है जो एक्स वाई जेड जो भी यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। पहले साइन का साइन के साथ, प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 = 6, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। वेरिएबल सेम है तो यहाँ पे पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 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 3 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 3 बन जा 3 और यहाँ पे x इंटू एक्स वाई है तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और y यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा क्योंकि इसका कोई यहाँ पे मैचिंग नहीं है। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 = 3, यहाँ पे 1 था तो 3 × 1 = 3, x इंटू वाई स्क्वायर है, कोई मैचिंग नहीं है यहाँ पे तो उसका एज इट इज लिख देंगे, x y स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसके साथ, यानी प्लस माइनस माइनस, 4 × 2 = 8 और यहाँ क्या है, y x स्क्वायर, वेरिएबल यहाँ तो मैचिंग नहीं तो उसका एज इट इज लिख देंगे, यानी x स्क्वायर लिखेंगे, y यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, प्लस 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 और 4 यहाँ पे 1 है तो 4 × 1 = 4। ठीक है, और यहाँ y है, x y है। ठीक है, तो x पहले लिख दें और y इंटू y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 × 1 = 4 और y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, y टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें जो लाइक टर्म्स होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का पावर 3 है तो यहाँ किसी के साथ नहीं है तो इसका एज इट इज लिख देंगे, माइनस 6x³ और एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे ये मैचिंग कर रहा है। ठीक है, इसको हम साथ में रख सकते हैं, प्लस 3x² वाई, ये और ये यहाँ पे मैचिंग है, माइनस 8x² वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस। ठीक है, और ये मैचिंग है क्या, एक्स वाई स्क्वायर एक्स, ये मैचिंग है। ठीक है, माइनस 3x² और प्लस 4x² ठीक है, आपको यहाँ पे वेरिएबल का पावर भी मैच करना है, वेरिएबल तो सेम होना ही चाहिए, उसका पावर भी सेम होना है। देखिए यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ वाई का पावर 2 है, यहाँ भी वाई का पावर 2, इसीलिए हम इसको साथ साथ में रखें। अब लास्ट में बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये बेचारा अकेले बच गया तो इसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस 4y³ क्योंकि इसका वाई क्यूब यहाँ पे कहीं भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं, माइनस 6x³ और इसको ले लेंगे कितना है, 3 − 8 कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो साइन आएगा यहाँ पे आप लगाएंगे। ठीक है, तो और फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, यहाँ माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 4 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको एज इट इज कर दीजिए, माइनस 4y³ यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2/5a का पूरे के साथ प्लस 1/7b का पूरे के साथ करना है। ठीक है, तो लिखेंगे 2/5a 3a प्लस 4b - 2। ठीक है, प्लस 1/7b का 3a प्लस 4b - 2। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि फ्रैक्शन में है तो हमको यहाँ पे एक एक करके मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका साइन क्या है, प्लस, यानी 2/5 लिखेंगे a इंटू लिखेंगे 3a। ठीक है, और यहाँ क्या है देखिए, प्लस फिर लिखेंगे 2/5a इंटू क्या है, 4b। ठीक है, और यहाँ प्लस फिर से लिखेंगे प्लस 2/5a इंटू यहाँ क्या है, -2, तो आप लिख दीजिए -2। ठीक है, फिर से यहाँ प्लस 1/7, ठीक है, बी इंटू इसके साथ 3a के साथ, फिर लिखेंगे प्लस 1/7, अब इसका b का इसके साथ होगा, इंटू 4b
प्लस 1/7b इंटू माइनस 2, ठीक है। यानी कि हमको इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका 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 इस तरह हमको करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, तो 2, 3 जा 6 और नीचे हो जाएगा 5, a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ कटने लायक नहीं है, प्लस 2, 4 जा 8 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 और यहाँ पे a इंटू बी हो जाएगा ए बी, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ कटने लायक नहीं है, प्लस माइनस माइनस और 2, 2 जा 4 और नीचे हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा a, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कटने लायक कुछ है क्या, नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 3/7 और हो जाएगा ए बी, यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू ए, तो क्या हो जाएगा ए बी, हम सीक्वेंस में यहाँ पे लिखते चलेंगे, ठीक है। अब हमारा इसको लेते हैं, यहाँ कुछ कटने लायक नहीं है, तो हो जाएगा प्लस 4, 1 इंटू 4, 4 और नीचे हो जाएगा 7 और हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 2 और नीचे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कोई वेरिएबल मैचिंग होगा तो उसको हम साथ में रखेंगे, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यहाँ पे कहीं नहीं है, तो लिख देंगे 6/5 a स्क्वायर, ठीक है। ए बी है यहाँ पे, ए बी है तो इन दोनों को हम साथ में ले सकते हैं, तो प्लस 8/5 a b और इसको रख लिया प्लस 3/7 a b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और कोई मैचिंग कर रहा है, यहाँ ए है और यहाँ पे ये और ये आपका हो गया, यहाँ ए है, यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ बी है, तो आप कोई मैचिंग नहीं कर रहा है, तो इसको मैचिंग लिख देंगे माइनस 4/5 a और प्लस 4/7 b² माइनस 2/7 b, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, क्योंकि इसका कोई मैचिंग हमको नहीं मिला था, तो हमको इसको सॉल्व सिंपली करना है, क्या हो जाएगा 6/5 a² प्लस इसका हमने एलसीएम लिया 5, 7 जा 35, ठीक है। 5 यहाँ क्या हो जाएगा, 5, 7 जा 35, 7, 8 जा हो जाएगा 56, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ए बी, अब यहाँ हो जाएगा प्लस 7, 5 जा 35, 5, 3 जा 15 a b, ब्रैकेट क्लोज। फिर से लिख देंगे माइनस 4/5 a प्लस 4/7 b² और माइनस 2/7 b लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 6/5 a² प्लस इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 11 का 1, 5 और 1 6 1 7 हो जाएगा by 35 a b लिख दिया, और यहाँ पे माइनस 4/5 a प्लस 4/7 b² माइनस 2/7 b, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 0.1 a का पूरे के साथ माइनस 0.2 c का पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो लिखते हैं 0.1 a a प्लस सी प्लस ए सी, ठीक है। फिर माइनस 0.2 c का a प्लस सी प्लस ए सी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे करना है साइन का साइन के साथ, नंबर का नंबर के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे साइन देखते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ वन है तो 0.1 × 1 करेंगे कितना आ जाएगा, सेम यानी 0.1 आ जाएगा और a इंटू ए क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे 0.1 इसके पास भी 1 है, सेम वही आ जाएगा 0.1 और यहाँ a है c है तो यहाँ पे वेरिएबल मैचिंग नहीं है, तो एजिटी से हम लिख देंगे a c, ठीक है। अब यहाँ पे 0.1 इसके पास भी 1 है, सेम ही आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ a है और यहाँ a c है तो क्या हो जाएगा, a का पावर 2 हो जाएगा और c ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 0.2 × 1 कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा और c इंटू ए, फिर से हम यहाँ पे ac लिख देंगे, आप ca भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर माइनस प्लस इसके साथ माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 0.2 × 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 और यहाँ c है, यहाँ c है तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 0.2 × 1 तो यहाँ भी हो जाएगा 0.2, ठीक है, और c इंटू ए सी तो क्या हो जाएगा, ए पहले लिख देंगे और सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमको इसमें ढूंढना है लाइक टर्म्स, ठीक है। चलिए ढूंढते हैं, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं 0.1 का ए स्क्वायर, ठीक है। ए सी
एसी है यहाँ पे, तो ये और ये मैचिंग है, पहले हम इसको रख लेते हैं साथ में, प्लस 0.1 एसी माइनस 0.2 एसी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर सी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और सी स्क्वायर है, अब यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हम एज इट इज सबको लिख देंगे, यानी 0.1 ए स्क्वायर सी, तो इसको लिख देंगे माइनस 0.2 सी स्क्वायर माइनस 0.2 ए सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैचिंग वेरिएबल नहीं है, ठीक, यहाँ ए सी तो है और यहाँ पे भी ए सी है, लेकिन ए का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ ए का पावर 1 है, तो मैचिंग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ देखिए सी का पावर 2 है तो यहाँ सी का पावर 1 है, तो ये मैचिंग नहीं होगा, तो साथ में नहीं रह सकते, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 0.1 ए स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसमें से 0.2 में से 0.1 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस 0.1 ए सी आ जाएगा, और इसको लिख देते हैं प्लस 0.1 ए स्क्वायर सी माइनस 0.2 सी स्क्वायर माइनस 0.2 ए सी स्क्वायर, ठीक है, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, ओके, थैंक यू जेंट्स।